नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लाइव सेशन में। आज हमारे साथ इस व्याख्यान के लिए जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर बलदेव आनंद सागर। प्रोफेसर सागर आकाशवाणी और दूरदर्शन से काफ़ी समय से संस्कृत समाचारों को प्रसारित कर चुके हैं एवं संस्कृत क्षेत्र में लेखन एवं अध्यापन के कार्य में भी वो कई समय से जुड़े हुए हैं। मित्रों, हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी समाचार को साझा करना चाहते हैं। गए 15 अगस्त पर डॉक्टर बलदेव आनंद सागर को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है संस्कृत क्षेत्र में उनके कार्य को देखते हुए। तो हम उसकी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई सर आपके इस नामित होने पर, और हम आशा करते हैं कि जब आपको पुरस्कार मिलेगा आप हमसे ज़रूर साझा करेंगे उस समाचार को भी। और आज का जो विषय रहेगा हमारे इस व्याख्यान का वो रहेगा लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, जो हमारी काफ़ी समय से ये श्रृंखला चली आ रही है और उसमें आज ये 56वां व्याख्यान है। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं इस व्याख्यान से जुड़े हुए तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, जो है 1800-110-430। मित्रों, हमें कॉल इस व्याख्यान के आखिर के 10 मिनटों में कीजिएगा। आइए चलते हैं प्रोफेसर बलदेव आनंद सागर की तरफ और संस्कृत सीखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सागर, और हमें संस्कृत सिखाइए आज। धन्यवाद दिशा, सौभाग्यम मम। स्वागतम अत्र भवताम भवताम सर्वेषाम अपि, सबका मैं स्वागत करता हूँ। दिशा ने जैसे कहा संस्कृत सिखाना, तो प्रयास ही है संस्कृत सिखाते हुए संस्कृत सीखना, क्योंकि संस्कृत तो महासमुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, और जितना भी सीखा जाए कम है। और वैसे भी हितोपदेश पंचतंत्र अपना कथा कौमुदी में जो है प्रकरण, तो उसका एक श्लोक है कि धन और विद्या वो ता जिंदगी, मतलब ता जीवन, मतलब जब तक जीवन है तब तक सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से है, तो ये विद्या है और भाषा तो है ही है संस्कृत, हम सब जानते हैं, लेकिन भाषा के साथ साथ ये ध्वनि विज्ञान है। और ध्वनि विज्ञान आजकल भौतिक विज्ञान में खूब उन्नति किया है और हम सब जानते हैं। तो हमारी श्रृंखला लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, संस्कृतम पठ आधुनिको भव, अस्या श्रृंखलाया इदम 650वां इदम व्याख्यानम, 56वां व्याख्यान है। और आज हम इसमें सीखेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। हमने अव्ययी भाव समास पूरा किया और अब तत्पुरुष समास लेते हैं समास के प्रकरण में। तो तत्पुरुष क्या है? तत्पुरुष समासः यस्मिन् समासे प्रायः उत्तरपदस्य अर्थः प्रधानः भवति सः तत्पुरुषः समासो। हिंदी में भी हम यही पढ़ते हैं, बहुव्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय, ये नाम है समासों का। शब्द कैसे आपस में मिलते हैं और समस्त हो जाते, इकट्ठे हो जाते, कंपाउंड हो जाते हैं शब्द। तो जिस समास में उत्तरपद माने दो शब्द है, मैंने उदाहरण आपको मैं दूंगा, जैसे कि राष्ट्रस्य पति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शब्द है, हमें हिंदी में या ऐसा लगेगा एक ही शब्द है, लेकिन उसका जब विश्लेषण करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये दो शब्द है, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति। तो उत्तर पद माने पति, जो बाद वाला पद है, उसका अर्थ प्रधान होगा, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। एक समझने के लिए एक पहला जो इसका कड़ी है वो इस तरह से है, अत्र पति इति उत्तरपदम मुख्यम, पति उत्तरपद मुख्य है, यतो ही वाक्य में जैसे हम प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति ही अभिभाषते, राष्ट्रपति विदेश यात्राम करोति, तो यहां इत्यत्र पतेह इत्यस्य क्रियया, क्रिया के साथ साक्षात संबंध है। राष्ट्रपति ही गच्छति, राष्ट्रपति अभिभाषते, राष्ट्रपति जनान सम्मानयति, इस प्रकार से। तो इसमें संबंध किसका है? राष्ट्रपति का, राष्ट्र का नहीं है। तत्र राष्ट्रस्य न कश्चन अपि संबंधः, अतएव अत्र उत्तर पदम प्रधानम, इसलिए हम कहेंगे कि यहां उत्तर पद प्रधान है। और ये जो समस्त पद बन गया राष्ट्रस्य पति राष्ट्रपति, इसमें
समस्ते अस्मिन् पदे लिंग वचनादि सर्वम उत्तर पद तुल्यम भविता। पति के अनुसार यह रूप चलेगा, जैसे इकारांत शब्द हम हरि के समान रूप चलाते हैं, हरि हरि हरया हरिम हरि हरीन, तो राष्ट्रपति 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 पतयः राष्ट्रपतिम राष्ट्रपति राष्ट्रपतीन राष्ट्रपतिना, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो उत्तर पद प्रधान होगा, पद का जो अर्थ है वो, और उसके अनुसार वचन और लिंग वो चलेगा, लिंग और वचन आदि। अब तत्पुरुष समास के दो भेद है। तत्पुरुष समासस्य भेदो, तत्पुरुष समासस्य पूर्व पदे उत्तर पदे च विभक्ते साम्याधारेण अयम द्विधा विभज्यते। पूर्व पद में और उत्तर पद में दो शब्द अगर है तो उसमें विभक्ति में जो समानता है उसके आधार पर इसको व्यधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ये दो भेद किया जाता है। वी अधिकरण व्यधिकरण और समान अधिकरण, ये अधिकरण माने आधार, समान आधार हो तो वो समान अधिकरण हो गया, और विशिष्ट अधिकरण कहिए या विगतः अधिकरणम या विभिन्न अधिकरणम इस तरह से कहिए तो यो व्यधिकरण तत्पुरुष समास माना जाएगा। तो पहले एक उदाहरण लेते हैं हम लोग व्यधिकरण तत्पुरुष का। यस्मिन समासे पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च विभक्तेः साम्यम नास्ति स व्यधिकरणः तत्पुरुष समासः। जिस समास में पूर्व पद यानी राष्ट्रस्य जैसे हैं और उत्तर पद पति ही शब्द है, राष्ट्रस्य पति ही राष्ट्रपति, तो इसमें विभक्ति में समानता नहीं है। क्यों? अत्र प्रथमं पदं राष्ट्रस्य इति पदं षष्ठ्यन्तं वर्तते, अपि च पति ही द्वितीयं च प्रथमान्तं वर्तते। राष्ट्रस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है और पति में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो विभक्ति में इसमें समानता नहीं है, इसीलिए ये व्यधिकरण समास कहा जाएगा, राष्ट्रस्य पति राष्ट्रपति। और समानाधिकरण समास जिसको हम एक और नाम से जानते हैं कर्मधारय नाम कहते हैं इसको, यानी यस्मिन समासे पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च विभक्तेः साम्यम अस्ति, दोनों विभक्तियों में समानता होगी तो समानाधिकरणम तत्पुरुष समासः भवति। जैसे उदाहरण के लिए नीलम कमलम, नीला कमल, तो नील कमलम, दोनों में प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसमें जो है शब्द का रूप है, तो नील कमलम हो जाएगा कर्मधारय समास। और पीतम अंबरम, पीताम्बरम, ये कर्मधारय हो गया, प्रथमा एक वचन पीतम अंबरम, दोनों में समान विभक्ति है, तो अत्र पदद्वयमपि प्रथमांतम वर्तते, दोनों पद पीतम अंबरम और नीलम कमलम, ये इस तरह से शब्द में ये दोनों दोनों पद जो है वो प्रथमांत है, तो इसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहेंगे और समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय इसको कहेंगे। विस्तार से मैं बाद में भी आपको इसको बताऊंगा कि किस प्रकार प्रयोग के आधार पर हम कर्मधारय का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा और सरलता से समझाने का प्रयास मैं करता हूं कि तत्पुरुष समास क्या है। नाम से ही हम जानते हैं कि तत्पुरुष वो पुरुष ऐसा, तो इसलिए तत्पुरुष आप समझ लीजिए, जैसे द्विगु में द्विगु ऐसा शब्द, कर्मधारय में बहुव्रीहि में इस प्रकार से, तो तत्पुरुष समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर यानी कई शब्दों के साथ होता है। अभी तो हमने दो शब्दों का समास देखा, इसके बीच में जो विभक्ति होती है जैसे द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो ये जो विभक्तियां हैं इनका लोप हो जाएगा, और जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम से उस समास का नाम हो जाएगा, यानी द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी, ऐसे नाम से तत्पुरुष जाना जाता है। यानी दो पद है और विभक्ति जो होगी उस विभक्ति तो समस्त पद में नहीं रहेगी, उसका लोप हो जाएगा, लेकिन उस तत्पुरुष का जो भेद हम समझेंगे कि कौन सा तत्पुरुष है, द्वितीया तत्पुरुष है, तृतीया है, चतुर्थी, और मैं अभी आपके सामने उदाहरण रखता हूं उससे आप समझ जाएंगे। इसमें बाद वाले शब्द के अर्थ की प्रधानता रहती है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में एक हम एक तरह से वार्तिक या कारिका देखते हैं, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष ऐसा कहा गया है सिद्धांत को, कि उत्तर पद की प्रधानता इसमें होती है। अब देखिए मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे शब्द है भय प्राप्त, अयम जन भय प्राप्त, भीतोयम जन, इसको डर है,
या डर इसको मिल गया है, ऐसा व्याकरण के हिसाब से कहेंगे, तो भयम प्राप्त, भय जिसको मिल गया या भय जिसको पास है, जो भयभीत हो गया है, तो भय प्राप्त शब्द में भयम में द्वितीय विभक्ति है और प्राप्त तो है ही है, मतलब पुरुषः। अब स्त्रीलिंग में भय प्राप्त हो जाएगा, या नपुंसक लिंग को है तो भय प्राप्तम हो जाएगा, लेकिन ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। यहाँ समास होने पर भय शब्द में जो प्रयुक्त द्वितीय विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा, तो भय प्राप्त, भयम प्राप्त, भय प्राप्त, भयम प्राप्त, ये विश्लेषण हुआ, विग्रह हुआ, और भय प्राप्त समस्त पद हो गया। अतः यह द्वितीय तत्पुरुष समास कहा जाएगा। यहाँ पहले शब्द में यानी जो भय शब्द है उसमें मुख्य रूप से कोई मतलब नहीं है, जो व्यक्ति है उसका प्रमुखता है, भय को जो प्राप्त मनुष्य है उसके बारे में कहा जा रहा है। अतः बाद वाले अर्थ की प्रधानता हुई, उत्तर पद प्रधान हुई, माने भय प्राप्त माने वो व्यक्ति जो डरा हुआ है। अब आगे उदाहरण देखते हैं संक्षेप में। विद्याहीन विद्याहीन, विद्या शब्द का तृतीय एक विभक्त में विद्या हो जाएगा, विद्या से रहित, जिसके पास विद्या नहीं है, तो विद्याहीन, ये बड़ा विद्याहीन व्यक्ति, ऐसा हम जैसे प्रयोग करते हैं, तो विद्या तृतीय है, हीन है ही है विद्या, तो तृतीय विभक्ति का लोप हो गया, विद्याहीन शब्द हमारे पास रहा, इसको हम तृतीय तत्पुरुष कहेंगे। और उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, संस्कृत जो पढ़ते लिखते हैं वो जानते हैं, भर्तृहरि के नीति शतक में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयम परमं पशूनाम। तो साहित्य संगीत कला विहीन हीन विहीन विद्या विहीन, तो इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया है तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष का। ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य, ये भी तृतीय, ज्ञान से रहित जो है, ज्ञान शून्य व्यक्ति है ऐसा बोलते हैं, तो ये तृतीय तत्पुरुष है। तो ज्ञानेन शून्य, तृतीय विभक्ति ज्ञानेन में है, उसका लोप हो जाएगा, ज्ञान शून्य समस्त पद रहेगा। चतुर्थ विभक्ति का उदाहरण देखते हैं, भूताय बलि ही, भूत बलि ही, भूत माने जो प्राणी है उनके लिए, ये बलि माने जो हम निकालते हैं देने के लिए, खिलाने के लिए या किसी को दान करने के लिए, तो उसको भूत बलि कहते हैं, माने पशु पक्षी के लिए या जो भी है कीट पतंग उसके लिए जो कुछ हम आटा वगैरह डालते या अन्न के दाने डालते, आजकल तो महानगरों में चबूतरा होता है वहाँ बहुत सारे कबूतरों को बाजरा और ये धान डालते हैं, तो ये भूत बलि है। तो भूताय बलि, प्राणियों के लिए जीव जंतुओं के लिए जो दिया जाए उसको भूत बलि, तो चतुर्थी का लोप हो जाएगा और इसको चतुर्थी तत्पुरुष कहेंगे, भूत बलि। गोहितम शब्द है, गवे हितम गोहितम, ये चतुर्थी तत्पुरुष, माने गो शब्द का चतुर्थी एक वचन में गवे बनेगा, और गाय के लिए या गाय के लिए जो हितकर है, तो गोहितम, तो गवे हितम गोहितम, चतुर्थी का लोप हो गया। और शत्रोह भयम, शत्रु से डर है, ये पंचमी तत्पुरुष है, शत्रु से डरा हुआ, तो शत्रु भयम, शत्रु भयम वह व्यक्ति जिसको शत्रु से डर है, तो उत्तर पद जो है वो प्रधान हो जाएगा, शत्रु भयम, शत्रु का जो भय होता उसके लिए कहा जाएगा, पंचमी तत्पुरुष। और अश्वात्पतितः, अश्वपतितः शब्द है, घोड़े से गिरा हुआ व्यक्ति, घोड़े से गिर गया है ऐसा, तो अश्वात्पतितः, अश्व का पंचमी रूप विभक्ति का लोप, अश्वपतितः का पंचमी तत्पुरुष। देवालय शब्द या विद्यालय शब्द जैसे है, तो देवानाम आलयः, विद्यायाः आलयः, देवता का आलय, घर, निवास स्थान, विद्या का स्थान या विद्या जहाँ प्राप्त होती है, विद्यालय, तो ये षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी का लोप होके आलयः प्रधान हो जाएगा, देवालय, अश्वालय, बाकी गजालय, इस तरह से विभिन्न विद्यालय शब्द बनेंगे षष्ठी तत्पुरुष में। सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण देखते हैं, जले मग्नः जलमग्नः, या कार्ये दक्षः कार्यदक्षः, जल में डूब गया तो हम कहें वो इतने व्यक्ति जलमग्न हैं, ऐसा हम प्रयोग करते हैं, तो जले मग्नः जल में डूबा हुआ, सप्तमी का लोप हो जाएगा, जलमग्न शब्द बनेगा, सप्तमी तत्पुरुष। और
कार्य दक्ष इस काम में बड़ा कुशल है, कार्य दक्ष है। तो ये सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण मैं आपके सामने रखा। अब एक चीज केवल संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं, नई समास, नई तत्पुरुष जो हम सब प्रयोग तो करते हैं, केवल जानना जरूरी है। नई प्रत्यय होता है नहीं के अर्थ में, और नई का जब दूसरे शब्द के साथ इसका समास जब हो जाता है तो इसको नई समास कहते हैं। और बाद में न के बाद अगर व्यंजन हो, जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो अशेष रहता है। और अगर कॉन्सोनेंट के अलावा वोवल हो, स्वर हो, तो अ अन ऐसा जो है शेष रहता है और संधि हो जाती है। जैसे हम कहते हैं अब्राह्मण, न ब्राह्मण अब्राह्मण, तो न में के अंदर जो अ है वो रहेगा, न का लोप हो जाएगा, अब्राह्मण। यहां न व ब्राह्मण का समास होकर अब्राह्मण बना है, शब्द बना, और समस्त पद में न का अशेष रहता है, मैंने आपको बता ही दिया। अब कुछ उदाहरण संक्षेप में देखते हैं। न स्वस्थ अस्वस्थ, न न्याय अन्याय, न प्रिय अप्रिय, न सुंदर असुंदर, न उपस्थित अनुपस्थित। अब अस्वस्थ जैसे हैं तो स के कारण न का अ रहा, अस्वस्थ। न्याय में न है तो अन्याय, प्रिय में प है पहले तो अप्रिय, और सुंदर में स है तो असुंदर, न में अ था वो रहा। लेकिन उपस्थित में ऊ जो है स्वर है तो अन हो जाएगा, अनुपस्थित अनुचित। इस तरह से ये स्वर आने पर अन होगा, और इस तरह से नई समास, नई तत्पुरुष समास कहेंगे। न उचित अनुचित, न आगत अनागत, न उदार अनुदार, न ईश्वरवादी अनिश्वरवादी। तो ये सब स्वर आगे होने पर अन न का के साथ होता है, नकारांत अन कहेंगे इसको। इसका सूत्र है, मैं आपको बताऊंगा अष्टाध्यायी का। तो ये नई तत्पुरुष समास है, मुख्य रूप से ये हमने देखा। सांप्रतम वयम कथा कौमुदीम स्वीकुर्मः। कथा कौमुद्याम अस्माकं कथा भासुरक सिंहस्य कथा प्रवर्तते, तदर्थम लेखकः विष्णु शर्मा कथयति। आरंभे मंगलम आचरामः। ओम नमः श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः महाकविभ्यो नमः। एवं कृते तव तावत् प्राण यात्रा क्लेशं विनापि भविष्यति, अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यात्, तत् एष राजधर्मो अनुष्ठीयताम् उक्तं च। ये प्रसंग है कि किस प्रकार से भासुरक नाम के सिंह पर के साथ बाकी जंगल के सारे पशु आके निवेदन करते हैं कि ऐसे आप मारते हैं तो बहुत सारे पशुओं का शिकार हो जाता है, हमें प्रतिदिन एक प्राणी को आपके पास भेजेंगे, आपको शिकार भी नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे आपको भोजन मिल जाएगा, और राजा के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं। तो ऐसा कहने पर भासुरक जो है वो कुछ कहेगा, लेकिन उससे पहले उसको कन्विंस करने के लिए बाकी जंगल के प्राणी कहते हैं, शनै शनैश्च यो राज्यम उपभुंक्ते यथा बलम रसायनम इव प्राज्ञः स पुष्टिम परमां व्रजेत। जो राज्य का वैभव है उसका धीरे धीरे उपभोग करता है यथा बलम शक्ति के अनुसार, जैसे कोई रसायन टॉनिक लेता है प्राज्ञ समझदार व्यक्ति, तो उसको पुष्टि मिलती है, अच्छी तरह से हेल्थ मिलती है। तो राज्य का उपभोग भी धीरे धीरे किया जाए, ऐसा शेर को बाकी प्राणी समझा रहे। आप शिकार करते उसमें बहुत सारे प्राणियों का शिकार हो जाता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इस अरण्य का जो आपका राज्य है उसका उपभोग करना चाहिए। और एक उदाहरण देते हैं पशु, यथा बीजांकुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षितः फलप्रदो भवेत् काले तद्वन् लोकः सुरक्षितः। लोकः सुरक्षितः यानी हमारा जो समाज, हमारा जो समुदाय है वो सुरक्षित रहेगा। कब? बीजांकुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेन अभिरक्षितः। जैसे कोई बीज हम बोएं और उसमें से अंकुर निकल आए तो उसकी सुरक्षा की जाए, छोटा सा अंकुर होता है उसकी सुरक्षा की जाए तो वो फलप्रदो भवेत, तो बड़ा होकर उसमें फल मिलता है, परिणाम मिलता है। इसी प्रकार से जो हमारा समुदाय है उसकी आप सुरक्षा करें और बहुत सारा शिकार न करें। तथा च एक और उदाहरण देते हैं, लोकानुग्रह करतारः प्रवर्धन्ते नरेश्वरः। ये पंचतंत्र में नीति
जो बताना है कथा के माध्यम से, विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं नरेश्वरा जो राजा लोग हैं, जो राज्य सत्ता पर पदाधिकारी है, बड़े पद पर बैठे हैं, वो लोकानुग्रह करता रहा, लोकस्य अनुग्रह, लोगों पर अनुकंपा कृपा और दया दृष्टि करने वाले होते हैं, ऐसे जो राजा होते हैं वो प्रवर्धन्ते, उनका बहुत प्रवर्धन होता है, समृद्धि होती है, यशस्वी बनते हैं वो लोग। और लोकानाम संक्षयाच्चैव क्षयम् यामति न संशय, यदि लोगों को वो पीड़ित करेंगे, उनको उसका दमन करेंगे, उनका संक्षय करेंगे यानी उनका नाश करेंगे तो उनका भी क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अथ तेषां तद्वचनम् आकर्ण्य भासुरक आह, इस तरह से तेषां पशूनाम अरण्यवासीनाम मृगाणाम तद्वचनम एतादृशं वचनम आकर्ण्य श्रुत्वा भासुरक अभिधान नामकः सिंहः आह अब्रवीत। शेर ने कहा अहो सत्यम अभिहितम भवद्भि, आप लोगों ने बहुत सही बात कही है, परम लेकिन चूंकि राजा है, शेर है, उसने एक शर्त लगा दी, यदि मम उपविष्टस्य अत्र नित्यम एव नैकः श्वापदः समागमिष्यति, मैं यहाँ बैठा रहूँगा, शिकार नहीं करूँगा, मेरे बैठे हुए कभी ऐसा हुआ कि कोई श्वापद माने पशु न आया तो तन्नूनम सर्वान अपि भक्षयिष्यामि, तो मैं सारे प्राणियों को खा जाऊंगा, सबका शिकार कर डालूंगा अगर ये आप लोगों ने अपनी बात न रखी तो। अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय, तो उसके बाद वो सब पशु जो आए थे तथैव उसी प्रकार से प्रतिज्ञा करके निर्वृति भाजः लौट गए, तत्रैव वने उसी जंगल में निर्भयाः पर्यटन्ति, अब आराम से बिना भय के, क्योंकि जो शेर शिकार उसका डर होता था शिकारी का, शेर का, वो खत्म हो गया, उन्होंने कहा रोज एक प्राणी हम भेजेंगे, राजा शिकार पे नहीं निकलेगा और हम निर्भय होके जंगल में अरण्य में परिभ्रमण कर सकते, घूम सकते। एकश्च प्रतिदिनम क्रमेण याति, एक एक पशु रोज उस शेर के पास जाता था क्रम से, बाय ऑर्डर, उसमें वृद्धो वा वैराग्य युक्तो वा शोकग्रस्तो वा पुत्र कलत्र नाश भीतो वा तेषां मध्यात् तस्य भोजनार्थं मध्याह्न समये उपतिष्ठते, मध्याह्न समये सप्तमी एक वचन है, उपतिष्ठे तिष्ठते का उ स्वर है, तो इचो यवायावा से अव अय आदेश होगा, अ य में मिल जाएगा माने य अ में मिल जाएगा और अय के य का लोप हो जाएगा, तो समय उपतिष्ठते, समये उपतिष्ठते, कैसे कैसे, कभी कोई बूढ़ा वैराग्य युक्तो वा कोई उदासीन, शोकग्रस्तो वा कोई दुखी, पुत्र कलत्र नाश भीतो वा पुत्र पत्नी वो मेरे बात कैसे रहेंगे इस डर से डरा हुआ, उनके बीच में से तेषां मध्यात् उन पशुओं में से तस्य, सबकी बारी बारी से सबका सबको जाना होता था, तो जिसका जो क्रम आता था, तो वो कोई वृद्ध होता था, कोई उदासीन होता था, कोई शोकग्रस्त होता था, कोई पुत्र पत्नी के नाश के डर से डरा हुआ होता था, तस्य भोजनार्थम मध्यान्न, उसके शेर के शिकार भोजन के लिए दोपहर को वहाँ वो खड़े रहते थे, वहाँ उपतिष्ठते माने जाके एकदम राजा के सामने शेर के सामने खड़े हो जाते थे कि आप मेरा हमें खाइए, हमारा शिकार कीजिए। अथ कदाचित जाति क्रमात्, अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि एक बार क्या हुआ, कदाचित कभी जाति क्रमात्, सभी कभी मृगों का कभी दूसरे दूसरे प्राणियों का क्रम था, उसमें जाति के अनुसार क्रम था, तो बाय ऑर्डर शशक, शशक माने खरगोश, शशकस्य अवसरः समायाता, खरगोश का चांस आया, उसका अवसर मिला, स समस्त मृगैः ही प्रेरितो, सभी पशुओं ने उस खरगोश को कहा कि तुम जाओ राजा के पास, तुम उनके भोजन के लिए तुम्हें जाना है, अनिच्छन अपि, उसकी इच्छा तो नहीं थी फिर भी, मंदम मंदम गत्वा, धीरे धीरे चलता हुआ वो जा रहा था, तस्य वधोपायम चिंतयन, और वो सोच रहा था कि मैं शेर को कैसे मारूं, उसका वध कैसे करूं, खरगोश सोच रहा था, वेलातिक्रमम कृत्वा, उसने बहुत टाइम लिया, वेलातिक्रम माने बहुत लंबा समय ले लिया, जो डिसाइड टाइम था उस समय नहीं पहुंचा, व्याकुलित हृदयो,
यावद गच्छति, उसके दिल में तो बहुत डर था और व्याकुल था वो खरगोश, जब तक वो पहुंचे तावन मार्गे गच्छता कूपः संदृष्ट, रास्ते में एक कुआ उसको दिखाई दिया। यावत कूपोपरि, जब कुएं पर वो चढ़कर याति देखा, तावत कूप मध्य आत्मनः प्रतिबिंबम ददर्श, कुएं में उसने अपनी छवि अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे खरगोश ने देखा तो खरगोश दिखाई दिया। दृष्ट्वा च तेन हृदये चिंतितम, और उसको एकदम एक आइडिया आ गया। दृष्ट्वा, उसने अपना प्रतिबिंब देखा, उसने हृदय में सोचा भव्य उपायोस्ति, ओहो मुझे एक आइडिया मिल गया, भावी उपाय मेरा, शेर को कैसे मैं मारूं, ये आइडिया मेरे को, उपाय मेरे को मिल गया। अहम भासुरकम प्रकोप्य, मैं भासुरक नाम का जो शेर है उसको गुस्सा दिलाकर स्वबुद्ध्या अपनी बुद्धि से अस्मिन कूपे पातयिष्यामि, इस कुएं में उसको गिरा दूंगा। अथासौ दिनशेषे भासुरक समीपम प्राप्तः, दोपहर पहुंचना था लेकिन वो पहुंचा कब, दिन शेष, संध्या होने का समय आ गया, दिन थोड़ा सा ही शेष था, उस समय पर वो शेर के पास पहुंचा। सिंहोपि वेलातिक्रमेण, और शेर क्या वो भी बहुत समय निकल गया। क्षुत क्षाम कंठः, क्षुत माने क्षुधा भूख, उससे उसका गला सूखा जा रहा था। कोपाविष्टा, बहुत गुस्सा भरा हुआ था। सृक्कणिम परि लेलिहन, लेलिहद, सृक्कणी बोलते हैं होठों के जो कोने होते हैं उसको सृक्कणी कहते हैं, उसको अपनी जीभ से वो चाट रहा, क्योंकि भूख लगी हुई थी, मुंह सूखा जा रहा था, गुस्से में था। व्यचिंत या तो उसने सोचा, अहो प्रातराहाराय निस्सत्वम मनम मया कर्तव्यम, शेर सोच रहा था कि सुबह जो मुझे प्रातः आहार करना है, कलेवा लेना है, उसके लिए निस्सत्वम वनम मया कर्तव्यम, मैं सब प्राणियों को एकदम मार डालूंगा। एवं चिंतयतस्तस्य, ऐसा जब सोच ही रहा था तो उसी समय शशको मंदम मंदम गत्वा, खरगोश धीरे 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 प्रणम्य नमस्कार करके तस्य अग्रे स्थितः, उसके सामने वो खड़ा हो गया। अथ तम प्रज्वलितात्मा भासुरको भत्सयन आह, उसके सामने प्रज्वलित आत्मा, बहुत ज्यादा गुस्से में भासुरक ने उसको लताड़ते हुए कहा, लेकिन ये अल्प विराम के बाद। धन्यवाद प्रोफेसर सागर, और आप सबका भी धन्यवाद हमें हमारे इस भाग में जुड़ने के लिए हमारे साथ। हम एक अल्प विराम लेंगे, और विराम पे जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके कोई भी प्रश्न है इस व्याख्यान से जुड़े तो आप हमें इस व्याख्यान के आखिर के 10 मिनटों में हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, जो है 1800-1104-3। हम मिलते हैं आपसे एक अल्प विराम के बाद और जानते हैं कि भासुर शेर ने क्या किया। We'll be right back.
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस अल्प विराम के बाद। विराम पर जाने से पहले हम खरगोश और शेर की कहानी पर चर्चा कर रहे थे प्रोफेसर बलदेव आनंद सागर के साथ। मित्रों, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, पर इससे पहले कि हम ये चर्चा और इस कहानी का अंत जाने, हम आपको बताना चाहते हैं अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं इस व्याख्यान से जुड़े तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर इस व्याख्यान के आखिर के 10 मिनटों में कॉल कर पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, जो है 1800-110-430। आइए आपको लेके चलते हैं प्रोफेसर सागर की तरफ और कहानी का अंत जानते हैं। प्रोफेसर सागर, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस दूसरे भाग में, और हमें खरगोश और शेर की इस कहानी का अंत बताइए। धन्यवाद दिशा। ये बहुत ही रुचिकर कहानी हम सब लोग जानते हैं, किंतु मूल रूप में संस्कृत में है, पंचतंत्र की कथा है। और मैं जैसे आपको कह रहा था कि विश्व की सभी भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका है, तो भासुरक जो नाम है शेर का, वो बहुत गुस्से में खरगोश को, शशक को कहता है, रे शशका अधम। अधम कहने पर थोड़ा सा अपशब्द, गाली जैसा होता है, अरे मूर्ख खरगोश, एकस्तावत्त्वम लघु प्राप्ता परतो वेलातिक्रमेण। यह है संस्कृत की ब्यूटी। एक और तो तू इतना छोटा सा मतलब जो है मेरा पेट तो भरेगा नहीं तेरे से, एक तो तू छोटा है, लघु है, और परतो वेलातिक्रमेण, और तूने इतना समय लगा दिया, दोपहर आना था, शाम हो गई। तद अस्मात् अपराधात् त्वाम निपात्य, इसलिए तुमने ये जो अपराध किया है, त्रुटि गलती की है, उसे तुम्हें निपात्य माने एकदम पटक के, प्रातः सकलान अपि गृह कुलान उच्छेदिष्यामि, तुम्हें मार के खा के कल सुबह सभी मृग कुल माने सभी पशुओं को उच्छेदिष्यामि, मार डालूंगा। गुस्से में बोल रहा था भासुरक। अथ शशकः सविनयम् प्रोवाच, खरगोश चालाक भी था नीतिवान भी था, तो खरगोश ने सविनयम् बड़े हम्बल तरीके से विनम्रता के साथ प्रोवाच उवाच अब्रवीत, कहा स्वामिन मालिक, नापराधो मम, मेरा अपराध नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, न च सत्वानाम, और न ही जंगल के प्राणियों की कोई गलती है। तत् श्रूयताम कारणम, तो सुनिए क्या कारण, श्रूयताम में मिसप्रिंट हुआ है, श्रूयताम सुनिए। सिंह आह, दहाड़ कर भासुरक ने कहा, सत्वरम निवेदय, जल्दी से बोलो, यावन मम दंष्ट्रांतरगतो न भवान भविष्यति। दंष्ट्र दाढ़ को, शेर का जो जबड़ा होता है उसमें जो बड़े बड़े दांत, दंष्ट्र बोलते हैं, वो शेर कहता है भासुरक, यावत जब तक मम मेरे दंष्ट्रांतरगत मेरी दाढ़ों के अंदर तुझे न ले लेता हूं, न भवान भविष्यति, तब तक तुम जल्दी से बोलो क्या कहना चाहते हो। शशक आह, खरगोश ने कहा, स्वामिन मालिक, समस्त मृगई ही अद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय ततोहम पंच शशकई समम प्रेषिता। अब वो खुश कर रहा है भासुरक को कि मेरी जाति के जो पशु पक्षी थे, समस्त मृग, मृग माने पशु, उन्होंने अद्य आज जाति क्रमेण, हमारी खरगोश जाति जो सबसे आकार में छोटे हैं, मम लघुतरस्य प्रस्तावम, मेरा शरीर छोटा है, बहुत छोटा है, इसको जानकर ततो अहम पंच शशके, मैं और साथ में चार और खरगोश मिला के समम प्रेषितम, पांच खरगोश आपके भोजन के लिए आ रहे थे। अब इतना सुन के शेर थोड़ा ठंडा होगा, उसके साइकोलॉजिकल असर होगा, ततश्चाहम, उसके बाद क्या हुआ, अहम आगच्छन, जब मैं आ रहा था अंतराले बीच में, महता केनचिद अपरेण सिंहेन, कोई और रास्ते में बड़ा शेर मिल गया, विवरात अपनी गुफा में से, मान में से वो निर्गत्य निकलकर अभिहितः, मुझे उसने कहा अभीष्ट देवताम स्मरता, उस शेर ने मुझे कहा अपना जो अभीष्ट देवता उसको याद कर लो, ततो मया अभिहितम, तो मैंने उस शेर को कहा, वयम स्वामिनो भासुरक सिंहस्य सकाशम आहारार्थम समय धर्मेण गच्छामः, उस शेर को हमने कहा कि हम अपने जो स्वामी मालिक भासुरक नाम के शेर है उसके खाने के लिए
पहले से समय धर्मेण, समय माने शर्त के हिसाब से उनके पास जा रहे हैं। ततः तेन अभिहितम, तो उस शेर जो रास्ते में मिला था उसने क्या कहा, यद्येवम, अगर ऐसा है तरही मदीयम एतद्वनम, ये जंगल तो मेरा है। मया सह समय धर्मेण समस्तै अपि श्वापदै वर्तितव्यम, यहाँ जितने भी पशु पक्षी है श्वापद है उनको मेरे साथ शर्त के साथ व्यवहार करना चाहिए। चोर रूपी स भासुर कहा, वो भासुरक तो चोर है। अथ यदि सोत्र राजा, अगर उसको यहाँ आप लोग राजा मानते हो, विश्वास स्थाने चतुरह शशकान अत्र धृत्वा तम आहूय द्रुततरम आगच्छ। अब ये शर्त जो रखी है वो शेर को शशक बता रहा है। विश्वास स्थाने माने एक तरह से सौदे की तरह, मतलब इन चार जो खरगोश है उसको रख के तुम जाओ और तम आहूय उस शेर को बुलाकर मेरे पास ले आओ, मैं उससे बात करूंगा कि असली राजा कौन है, वो तो चोर है, राजा तो सही मैं हूं। ये न यह कश्चित आवयो मध्यात पराक्रमेण राजा भविष्यति स सर्वान एतान भक्षयिष्यति इति। हम दोनों में आवयोह मध्यात माने हम, मैं और वो जो तुम्हारा भासुरक है उसके बीच में पराक्रम से राजा होगा, वो इन सबको खा जाएगा, खा सकता है। ततो अहम तेन आदिष्टः, अब वो खरगोश कहता है भासुरक को, उसने मुझे ऐसा आदेश किया, मेरे जो चार और खरगोश थे उसको उसने अपने पास रख लिया। स्वामी सकाशम अभ्यागत, मैं आपके पास आया हूँ। एतद् वेला व्यतिक्रम कारणम, और मेरी जो देरी हुई है, वेलातिक्रम हुआ, विलंब हुआ, उसका कारण यही है। तद अत्र स्वामी प्रमाणम, अब आप बताइए मैं क्या करूँ, आप ही प्रमाण है। तच्छुत्वा भासुरकः आह, ये सुनकर भासुरक ने कहा, भद्र, अब ये थोड़ा ठंडा हुआ, उसने कहा अच्छा भद्र, यद्येवम तत्सत्वरम दर्शय मे तम चौर सिंहम, अगर ऐसा है तो जल्दी ले चलो मुझे उस जो चोर रूपी, वो उसको चोर कह रहा है और भासुरक उसको चोर कह रहा है, वो चोर रूपी जो सिंह है। ये न अहम मृग कोपम तस्य उपरि क्षिप्त्वा स्वस्थो भवामि, जो पशुओं पर मुझे गुस्सा आया है उस पर मैं गुस्सा करके स्वस्थ हो जाऊंगा। उक्तम च, क्योंकि कहा गया है, भूमिर मित्रम हिरण्यम च विग्रहस्य फलत्रयम, हिंदी में कहावत है जर जोरू और जमीन ये कलह का कारण होते हैं, वही मूल रूप में इस श्लोक में है, भूमिर मित्रम हिरण्यम च विग्रहस्य फलत्रयम। विग्रह माने झगड़ा, ये झगड़ा के मूल कौन होता, भूमि माने जमीन को लेकर झगड़ा होता, मित्रम, मित्र माने दोस्ती होती है और उसमें फिर बाद में दुश्मनी वो जो आ जाती है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से, हिरण्यम माने सोना धन, तो ये झगड़े का मूल कारण होता। नास्तेकमपि यद्येषां, जिसमें ये तीनों नहीं है, न तम कुर्यात कथंचन, तो झगड़ा होगा ही नहीं। यत्र न स्यात् फलम भूरि, जिसका परिणाम ज्यादा न आए, यत्र च स्यात् पराभव, जहां पराभव की हारने के आशंका हो, न तत्र मतिमान यूढ़ समुत्पाद्य समाचरित, ऐसी स्थिति में जो बुद्धिमान है कोई झगड़ा न करे और शांति से अपना अपने आप को सरेंडर कर दे। शशक आह, अब खरगोश ने कहा, स्वामिन सत्यम इदम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्वभूमि है तो अपनी भूमि की रक्षा के लिए ही, परिभवाच्च युद्ध्यन्ते क्षत्रियाः, अपनी सीमा की, भूमि की, क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षत्रिय लोग जो है युद्ध करते हैं। परम स दुर्गाश्रयः, दुर्गात निष्क्रम्य वयम तेन विष्कंभिता, अपने दुर्ग में रहकर करें, लेकिन ये शेर जो है अपने दुर्ग से बाहर, गुफा से, मान से बाहर निकलकर उसने हमको बीच में ही रोक लिया। ततो दुर्गस्थो दुस्साध्यो भवति रिपु, जो दुर्ग के अंदर रहता है वो शत्रु बड़ा दुस्साध्य होता है, उसको जितना मुश्किल होता है। उक्तम च कहा गया है, इस प्रकार से आगे नीति का उपदेश करेंगे, खरगोश कहेंगे और भासुरक की, दोनों की बात होगी। आगे की कथा आप वैसे तो जानते ही है, लेकिन अगले व्याख्यान में हम सुनेंगे किस प्रकार से शशक खरगोश भासुरक को कुएं में कूदने के लिए उत्साहित करता है, उसको एक तरह से विवश करता है। आइए सांप्रतम वयम तृतीय क्रमे प्रवेशम कुर्मः।
संस्कृत संभाषण अभ्यासः। अस्मिन् क्रमे मया अस्मिन् व्याख्याने मया कानिचित् वाक्यानि नैव आनीतानि, केचन श्लोकाः अत्र समानीताः। यतो हि पूर्वम् अस्माभिः धर्म अर्थ काम मोक्ष इति पुरुषार्थ चतुर्विध विषये संभाषितं विचारितं परिशीलितं चिन्तितं। तत्र धर्मः अर्थः इति विषयद्वयम् अस्माभिः तदर्थं श्लोकाः अत्र पठिता व्याख्याने। साम्प्रतं काम विषयं काम इति पुरुषार्थम् अधिकृत्य कांश्चन श्लोकान् अत्र उपस्थापयामि। चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसमें धर्म और अर्थ के बारे में हम पिछले व्याख्यानों में संदर्भ दे चुके हैं और कुछ श्लोकों का यहाँ उपस्थापन कर चुके हैं। आज मैं काम के बारे में कुछ श्लोक, नीति के श्लोक आपके सामने, अनेन माध्यमेन वयम संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासम अपि करिष्यामः। कामः नाम ईहा समीहा, काम माने इच्छा, हमारी जो विविध प्रकार की इच्छाएं अभिलाषाएं होती है उसको काम कहा जाता है। और व्यक्ति का जीवन भी चार विभाग में बांटा गया भारतीय संस्कृति के अनुसार, ब्रह्मचर्य, वान गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 25 वर्ष तक, जैसे कि हमारी परंपरा है और अभी भी सुरक्षित है और थी और आगे रहेगी भी जीवन में पूर्णता पाने के लिए, तो 25 वर्ष तक विद्याध्ययन, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक संन्यास, ऐसे विभाजन किया गया है। एक आदर्शात्मक विभाजन, आइडियल एक क्लासिफिकेशन किया गया है। तो काम माने गृहस्थाश्रम जब होता है तो विविध प्रकार के जितने भी भोग है उसको भोगने की अनुमति शास्त्र देता है, लेकिन धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, ऐसा गीता में कहा है। भगवान विभूति योग में अपना कहते हैं कि मैं हूं, मैं ही काम हूं, लेकिन धर्माविरुद्ध मर्यादा के अनुकूल, मर्यादा का अतिक्रमण करके नहीं, तो जो मर्यादा के अंदर आता, अनुशासन में आता है, वो सब भोग विलास मनुष्य कर सकता है। तो ऐसे में नीति क्या कहती है, भर्त्रा तुष्यति यत्र स्त्री, स्त्रिया भर्ता च तुष्यति तत्र वेश्मनि कल्याणम संपद्येत पदे पदे। ये सारे पद्य जो है वो मैं आपको बताऊं कि विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं, अलग अलग, महाभारत से या संहिता ग्रंथ से या विदुर नीति से, चाणक्य नीति से लिए गए हैं। इसमें पहले इस श्लोक में कहा है भर्ता माने पति, स्वामी, भर्तृ शब्द से तृतीय एक वचन में भर्त्रा बनेगा, स्वामी से, पति से, तुष्यति यत्र स्त्री, पत्नी, स्त्री माने पत्नी, महिला जो संतुष्ट रहती है पति से, स्त्रिया, स्त्री का तृतीय एक वचन में, स्त्री से, भर्ता च तुष्यति, पति संतुष्ट, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे से संतुष्ट है। तत्र वेश्मनि, ऐसे घर में कल्याणम संपद्येत पदे पदे, पदे पदे माने एट एवरी स्टेप, हर कदम पर क्या होता है, कल्याणम माने शुभ होता है, अच्छा होता है, हर चीज अच्छी होती है, जीवन जीने लायक होता है, कभी कलह नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है लेकिन उसमें कटुता नहीं होगी, बिटरनेस नहीं होगी। दूसरा श्लोक है यत्र भर्ता च भार्या च, भर्ता माने पति, भार्या माने पत्नी, जहां पति पत्नी परस्परम अनुव्रतौ, एक दूसरे की बात मानते हैं, ख्याल रखते हैं, तत्र वहां पर धर्मार्थ कामानाम, धर्मस्य अर्थस्य कामस्य च, ये जो तीन पुरुषार्थ है, मोक्ष चौथा है उसकी यहां पर चर्चा नहीं है क्योंकि वो पूरा अध्यात्म विज्ञान में उपक्ष जाता है। धर्म माने मर्यादा, अर्थ माने धन पैसा संपत्ति, काम माने इच्छाएं, त्रयाणाम अपि संगतम, इन तीनों का समन्वय होता है, तीनों को अच्छी तरह से जिया जाता है जहां पति पत्नी का मेल मिलाप, दोनों का मन मिला हुआ होता है ऐसी जगह पर। और इसी तरह से आगे श्लोकों में कहा हुआ है, एक और श्लोक ले लेते हैं, यानि कान्यत्र सौख्यानि, इस जीवन में जितने भी यानि कानि यावन्ति कतिच सौख्यानि सुख प्रद वस्तुनि भोग स्थानानि यानि च, भोग माने ऐश्वर्य,
अच्छी चीज़ें, जैसे अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा सूंघना, ये फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन के हिसाब से जो संसार के पदार्थ हैं वो भोग स्थान, उसको हम कंज्यूम करते हैं। धर्मार्थ काम जाता नहीं, वो धर्म से, अर्थ से और काम से ही उपलब्ध किए हुए हो, तानि स्त्रीभ्यो भवन्ति, वो केवल स्त्रियों के कारण ही संभव है। इसीलिए पुरुष अकेला होता है तो इसीलिए जीवन को अपूर्ण माना जाता है। जीवन की पूर्णता स्त्री और पुरुष दोनों के समन्विति में, दोनों के कोऑर्डिनेशन, समन्वय में है। इसीलिए हमारे यहाँ जो एक सिद्धांत कहिए, विचार कहिए, एक पद्धति कहिए, परंपरा कहिए, वो है अर्धनारीश्वर की। जो शिव तत्व है उसमें अर्ध पुरुष अर्ध स्त्री, यानी स्त्री पुरुष दोनों एक। यानी केवल पुरुष समझे तो समाज नहीं बनेगा, केवल स्त्री कहें हम अकेले ही समाज को बनाए तब भी नहीं होगा। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर पूरे एक समाज की, राष्ट्र की और जीवन की कल्पना की जा सकती है। इसमें शरीर अलग है किंतु तत्व वही है, केवल प्रकृति के द्वारा जो एक पूर्णता पाने की प्रक्रिया है वो दोनों शरीरों में है। तो जो कुछ ऐश्वर्य है वो स्त्रीभ्यो भवन्ति, स्त्री तत्व के कारण होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ नारी तू नारायणी, नारी को नारायणी कहा गया है। और इसीलिए हमारे यहाँ शिवा, शिव तो है ही है जो कल्याण है, शिवा स्त्रीत्व उसमें आरोपित किया गया है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो शाक्त उपासना है, शक्ति की उपासना है, जिसमें दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते जानते हैं, और या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उस शक्ति की आराधना करते हैं। क्योंकि जो कुछ शक्ति ऊर्जा वो तो स्त्री रूपेण है, केवल जेंडर के रूप में, वैसे तो दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं है, लेकिन जो कुछ है उस चेतना के कारण, शक्ति के कारण, ऊर्जा के कारण, जिसको हम कॉस्मिक पावर कहते हैं, चेतना कहते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना, वो ऊर्जा भी स्त्रीलिंगवाची है, तो उनके कारण ये सारा ऐश्वर्य है। श्रियः एता स्त्रियो नामा, स्त्री रूपी जो हम जिसको जानते हैं वो श्री है। श्री, लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य, इनके पर्यायवाची शब्द है। सत्कार्या, उनका आदर करना होगा। किसको? भूतिम इच्छता, जो भूतिम ऐश्वर्यम वैभवम समृद्धिम इच्छति, जो चाहता है उसको नारी का आदर करना चाहिए। लालिता निगृहिता च, लालिता माने उसका परिपोषण, जैसे बेटी होती है तो उसका हम पालन करते हैं, निगृहिता संरक्षिता, स्त्री होती तो उसका संरक्षण करते हैं। स्त्री ही श्री भवति, लालन पालन से, आदर से और उसका देखरेख ध्यान रखने से वही स्त्री श्री बन जाती है, माने ऐश्वर्यदायिनी सुखदायिनी हो जाती है। नान्यता, अगर उसका आदर नहीं होगा तो ये सुख और ये श्री वैभव नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से बहुत सारे श्लोक है, पुत्र पौत्र वधू भृत्ये संकीर्णमपि सर्वतः भार्याहीनं गृहस्थस्य शून्यमेव गृहं भवेत्। पुरुष की संगिनी, अर्धांगिनी जो स्त्री के रूप में है, उसका महत्व क्या है, उसको नीतिकार अपनी शैली में बताते हैं कि पुत्र हो, पौत्र हो, वधु हो माने पुत्र वधु, भृत्य माने सेवक हो, इन सब से चारों ओर से घिरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन भार्याहीनम, पत्नी नहीं है, अर्धांगिनी नहीं है, संगिनी नहीं है, गृहस्थ से, तो उस गृहस्थ व्यक्ति का घर कैसा है? शून्यमेव गृहं भवेत्, उसका घर बहुत रिक्त और वनवास की तरह, अरण्य की तरह है। त्रिणानाम ही व्यर्थम नृणाम जन्म सुखद्विषाम दोषा तो परिहर्तव्या इत्याचार्य स्थिरीकृतम। आचार्य लोग, अनुभवी लोग, विचारवान लोग, विवेकी लोग, उन्होंने क्या कहा है? व्यर्थम नृणाम जन्म सुखद्विषाम त्रिणानाम इव, जो जीना चाहते हैं लेकिन गार्हस्थ सुख से द्वेष करके, यानी उसको नहीं रास आता, गृहस्थाश्रम नहीं स्वीकार करना चाहता है, त्रिणानामी
वो तिनके के बराबर जो है उनका जीवन हो जाता है। दो तो गृहस्थाश्रम में दोष है ऐसा मानते, इसलिए वो गृहस्थाश्रम स्वीकार। तो कहते हैं आचार्य, दोषास्तु परिहर्तव्य, गृहस्थाश्रम में जो दोष है, कमियां हैं, दुर्बलता है, उसको परिहर्तव्य, धीरे धीरे दूर करना चाहिए, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। इस गृहस्थ जीवन से, सांसारिक जीवन से पलायन, भागना नहीं है, इसके जो चैलेंजेज है उसको स्वीकार करना है, ऐसा हमारे आचार्याः एवं अब्रुवन, हमारे आचार्यों ने ऐसा कहा है। इसीलिए गृहस्थाश्रम का महत्व है। और वैसे भी कहा गया है कि धन्यो गृहस्थाश्रम, भर्तृहरिनीति शतक में, कि वो सभी तीनों बाकी आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, उसका आधार है गृहस्थाश्रम। तो इस प्रकार से काम कानिचित काम विषयकाणि गृहस्थाश्रम विषयकाणि पद्यानि मया अत्र उपस्थापितानि साम्प्रतम अवशिष्टे काले अहम चतुर्थे क्रमे गीताभ्यासेन सह संस्कृत पठनमपि करोमि। दूसरे अध्याय का हम चौथा और पांचवा श्लोक लेते हैं। कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे अरिसुदन, अरिसुदन माने शत्रुओं के का नाश करने वाले, हे कृष्ण योगेश्वर, भीष्मम अहम संख्ये कथम, हे मधुसूदन, द्रोणम च, भीष्म और द्रोण मेरे जो गुरुजन है, भीष्म मेरे दादा है, द्रोण मेरे गुरु है, उनको इस संख्ये माने इस युद्ध में इशु भी प्रतियोत्स्यामि, बाणों से उसको उनके साथ में प्रहार करूंगा, उनसे लड़ूंगा। क्यों? ये नहीं हो सकता, पूजार हो, ये दोनों मेरे पूजनीय है, पूजा के लायक है, इनको कैसे मैं मारूंगा। उसके बाद दूसरे श्लोक, पांचवें श्लोक में माने जो अब दूसरा श्लोक है, उसका छंद अलग है, उपजाति छंद है। गुरु नहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुन निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन की जो मानसिक स्थिति है, जिसमें वो उदासीनता के एक ऐसे शिखर पर पहुंचते हैं कि ऐसे भोग मुझे राज्य मिलेगा जो रक्त रंजित है, खून से सना हुआ राज्य है, तो वो मैं नहीं भोगना चाहता हूं। गुरुन अहत्वा, गुरुओं मेरे जो है द्रोणाचार्य और भीष्म है, उनको न मार करके ये महानुभाव है। श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि हलोके, जो मुझे श्रेय मिलेगा इससे बेहतर है कि मैं भिक्षा मांग के खाऊं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन निहेव, ऐसे मेरे गुरुजन है जिनको मारकर मुझे अर्थ और काम प्राप्त होगा, राज्य प्राप्त होगा, तो ऐसे भोगान रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सने हुए भोगों को मैं भोगूं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार से ये दो श्लोक है, चौथा और पांचवा, आइए इसको हम देखते समझते हैं। पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ वरिसूदन था, तो पूजार्हौ अरिसूदन। कथम भीष्मम अहम, भीष्मम अहम था, संधि विच्छेद हो गया। द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रदे पूजार्हौ अरि, द्वितीय एक वचन पूजार्हौ, या प्रथमा द्विवचन पूजार्हौ अरिसूदन संबोधन में है। अब इसका दूसरा श्लोक है, गुरुन अहत्वा, गुरुन अहत्वा, इसमें संधि हुई। भैक्षम अपि, भैक्षम अपि संधि। हत्वार्थ कामान, हत्वा और अर्थ दीर्घ संधि। गुरुन इह, गुरुन इह, और ह और ए में वृद्धि हुई, गुरुन निहैव। अब देखते हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन में विसर्ग था, उसका लोप हो जाएगा, विसर्ग संधि हुई। भीष्ममहम, भीष्ममहम व्यंजन संधि हुई। पूजार्हा वरिसूदन, पूजा जमा अर्हौ जमा अरिसूदन, तो पूजा और अर्ह में स्वर संधि हो गई, दीर्घ संधि, और हौ और अरि का अ इसमें स्वर संधि हो गई, इचोवायाव से उसका आव हो जाएगा, पूजार्हा वरिसूदन। गुरुन हत्वा, गुरुन हत्वा व्यंजन संधि। भैक्षम अपि, भैक्षम अपि इह, पहले भैक्षम और अपि में व्यंजन संधि, और
अपि और ईह में स्वर संधि, अपीह दीर्घ हो गया ई का, अपी के ई का और ईह के ई का। हत्वार्थ कामांस्तु, हत्वा अर्थ कामान, स्वर संधि दीर्घ हुआ, और कामांस्तु में न को अनुस्वार हो जाएगा, तुक्का आगम स हो जाएगा, व्यंजन संधि हो गई। गुरुन निहेव, गुरुन इह एव, व्यंजन और स्वर संधि हुई। दूसरा अभ्यास लेते हैं, इसमें वाक्यांश शह अन्वयान हम कहते हैं, अन्वय बताते हैं। अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन कथम अहम संख्ये द्रोणम भीष्मम च इशुभिः प्रतियोत्स्यामि, हे अरिसूदन एतौ तु पूजार्होस्तः भेक्षमपि भोक्तुम महानुभावान गुरुन अहत्वा हि इह लोके श्रेयः भवति। गुरुन तु इह हत्वा रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एव अहम भुंजीय, ऐसे कहके दूसरा अभ्यास पूरा हुआ। और इसके साथ इस व्याख्यान का, अनेन सहैव अस्य व्याख्यानस्य नियत कालोपि पूर्णतामेति, अतएव अत्रैव अहम् उपसंहरामि, नमस्करोमि, धन्यवादाः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सागर, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस व्याख्यान में हमारे साथ जुड़ने के लिए और संस्कृत को सीखने के लिए। हम आशा करते हैं कि प्रोफेसर सागर ने आपको जो कहानियाँ सुनाई, जिस तरह से आपको एक्सरसाइजेस करवाई और संस्कृत बताई, आपको ज़रूर बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की होगी आपने और संस्कृत सीखने भी मिला होगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हैं इस व्याख्यान से जुड़े, तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। उसके लिए आप हमारा मेल आईडी नोट कर लीजिए, जो है info.cec@nic.in। फिर से किसी व्याख्यान में हम डॉक्टर प्रोफेसर बलदेव आनंद सागर के साथ मिलेंगे और आपको फिर से संस्कृत सिखाएंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सागर। थैंक यू।